जम्मू से स्नान करेंगे। समुद्र प्रांतीय क्षेत्र जो गरीबों की राजधानी बोली जाती है। आज हम नई दिल्ली में हैं और आज सफ़र करेंगे समुद्र क्रांति एक्सप्रेस। आज हम नई दिल्ली 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं प्लेटफॉर्म। छोड़ नहीं बनाया तो सही है। अब ये देखते हैं कहाँ लगेगी। कितने का भाई? दस का? दस का है? नोट भी कटी दे रहे हो यार। कौन सी नोट कटी है भाई? कहाँ की? ये ऊपर वाली। इसे इसी तो भाई आराम से लेके आप बोल रहे ना, जो लेते हैं वो ना भाई। सब चलता है भाई। भाई कहीं नहीं चल रहा। हाँ सर, ड्यूटी से वाले ले नहीं रहे हैं। पानी ले लिए दो, 8 रुपये की बोतल, 2 बोतल लाया। उतार देंगे आर ओ वाले के पास से, जो मेरे को 10 का बता रहा था। और कैमरा देख के बोल रहा है कि नहीं नहीं 8 का ही ले लो, कोई बात नहीं। तो ऐसा मत करो, ये बोतल 1 लीटर की हमें 8 रुपये की पड़ेगी। और 8 रुपये की लो, 2 रुपये की छोड़े। जो सरकार के खाते में जाता तो छोड़ते भी, ये तो उनके खाते में जाएगा, वेंडरों के खाते में। इसलिए 8 रुपये के हिसाब से 2 बोतल के 16 रुपये में 16 रुपये दिया, 4 रुपये वापस लिया। तो हम खाना खा लेते हैं। ये लाए हैं पराठा और ये अंडे की भुजिया है। देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, हमारी ट्रेन लग चुकी है टाइम पे। देखिए सब चढ़ जाएंगे, तब चढ़ेंगे आराम से हम। भीड़ हो रहा है, मत जनरल। आज हम सफ़र करेंगे जनरल डब्बे में मुगल सराय तक, नई दिल्ली से मुगल सराय तक सफ़र करेंगे। और ट्रेन नंबर है 023-94 संपूर्ण क्रांति स्पेशल, जो न्यू दिल्ली कानपुर मिर्ज़ापुर दीनदयाल उपाध्याय पटना राजेंद्र नगर तक जाती है, जो 17:25 पर खुलेगी। टोटल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर तय करेगी, जिसका एवरेज स्पीड है 71 किलोमीटर प्रति घंटा और मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम है 13 घंटे 25 मिनट। जो सेकेंड सिटी की सीटिंग है इसमें, इसका टिकट है 210 रुपये और स्लीपर क्लास की 520 रुपये। थर्ड ए सी की है 1363 रुपये और सेकेंड ए सी की है 1940 रुपये और फर्स्ट ए सी की है 2960 रुपये। ये डायनेमिक फेयर है, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो आप आने से पहले एक बार रेट, टिकट का रेट कंफर्म कर लें, टिकट करिए। तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ। देखिए जनरल सीट,
चुके थे। आज हम ऊपर और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे ट्रेन का, तो चलते हैं देखिए आगे से। हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में, वो जनरल डब्बे का कोच है। हमारी गाड़ी निकल चुकी है नई दिल्ली से, गाड़ी निकल चुकी है नई दिल्ली से। अब इसका पहला स्टॉप कानपुर है, ये वॉशिंग टेबल है, फायर है, मिरर। चलते हैं आपको बाथरूम दिखाते हैं, बहुत स्मेल आ रहा है, बहुत स्मेल आ रहा है। खराब है, पानी आ रहा है, मिरर है, टॉयलेट है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हम स्किप कर रहे हैं,
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन स्कीप कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन स्किप किए हैं और हम आपके पास भी दिखाई दिए थे तो सफ़र का इंजॉय करते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं और मीडिया को स्किप करेंगे क्योंकि वो रात 11 बजे 1 बजे करीब में आएगा और मीडिया को स्किप करेंगे और कानपुर आपको दिखाएंगे हम जरूर। चलिए
बनाते हैं। बस दिखा रहे हैं भैया ना, आप देखते रहो कैसे बनाते हैं। बस गर्म पानी है अलग से, गर्म पानी पड़ेगा रेडी हो जाएगा। हाँ हाँ, करना क्या इसमें, ये पैकिंग आती है इसकी सूप की। और क्या, सब अलग से आइटम, सब गर्म पानी, सब रेडी रेडी टू वन मिनट। अच्छा, बस वन मिनट। रेडी भैया, कितने रुपये है? 20 रुपये। सही है, रेडीमेड आराम से कहीं भी इमरजेंसी के लिए। अब भैया ज़्यादा तो रेडीमेड आइटम चल दिया, रेडीमेड खाना, रेडीमेड सब कुछ, सब चीज़ रेडीमेड हो गया है। कानपुर का, कानपुर का रेलवे स्टेशन। चलिए ऐसे ही सफ़र करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो जो भी देखिए। पनकी धाम तो ये रेलवे स्टेशन है। रात हो गया है, पनकी धाम। ले चौधरी पकड़, अभी ले। इतनी गर्मी आ गई ना, ये छोटा मोटा फोन भी चलाना पड़ रहा है। लॉकडाउन में साला भजिया हो गया। चाय पिया है? चाय भी भाई ने फसा हाथ लगा हुआ है। साहब ली फिर आया वहाँ से, तो घर पर 14 दिन क्वारंटाइन में। कानपुर पहुँच चुके हैं हम, प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है कानपुर पर। सामने हमारे लिए पड़ी है बिहार सुंदर क्रांति। कानपुर स्टेशन पर आ गए हैं, कानपुर सेंट्रल। दिल्ली हावड़ा
से अधिक ट्रेनें होल्ड करती थी कोरोना काल से पहले। अब कोरोना बीमारी की वजह से अब दो ट्रेनें होल्ड करती हैं कम से कम। ये कानपुर रेलवे स्टेशन है, कानपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं हम लोग। कानपुर से निकल चुके हैं और ट्रेन के पास अब हम लोग मिलने की दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन मुझे आपको तो स्कीप करेंगे हम आपसे एक दो भी आए उन्हें क्लियर करेंगे आपको दिखाएंगे तो स्कीप करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन आ गया है मुगलसराय। हमारा संपूर्ण क्रांति का स्टॉप यहाँ के बाद सीधा पटना है तो हम यहीं तक सफ़र करेंगे। इसके आगे हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे जो बक्सर के लिए जाएगी। तो चलिए हम दूसरी ट्रेन में आपको दिखाते हैं बक्सर का। चलिए आइए वीडियो देखिए। और जो बक्सर पर जाएगी Thank you.
पर छोड़ चुके हैं हम लोग, बक्सर आ चुके हैं। Thank you.